हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका द इंडियन बॉय चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियोस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस है। अगर आप लोग कैशियर का जॉब करना चाहते हो, चाहे कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, तो कैशियर के जॉब में क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, कैसा स्किल्स हमारे पास होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं, कैसे जॉब किया जाता है, किस प्रकार से जॉब किया जाता है, जॉब में क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि कोई भी जॉब में नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ये वीडियोस होने वाली है। उससे पहले, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनसे मेरा सिकवा है, दिल से सिकवा है, आप लोग वीडियोज़ तो देखते हो ना, लाइक करते हो और चैनल तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्यों चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो? मैं मेहनत करके वीडियोज़ आपके लिए लाता हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, लाल वाले बटन को ग्रे कर दो, सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, कैशियर का जो जॉब होता है वो एक तरह से प्रोफेशनल काफी अच्छा जॉब होता है, सेल्समैन से काफी अच्छा जॉब होता है। बेसिकली मैं किसी भी जॉब को छोटा बड़ा नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कैशियर के जॉब पे जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे आपको चेयर मिलता है बैठने के लिए। कैशियर के जॉब में हर कैशियर को चेयर मिलता है, बट अगर आप सेल्समैन का जॉब के लिए जाते हो तो 9 घंटा 8 घंटा आपको खड़ा रह के जो ड्यूटी है वो निभाना पड़ता है। तो अब ऐसे में कैशियर के जॉब के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन कोई भी आप मॉल देख लो या फिर रिटेल सेक्टर देख लो, वहाँ पे 5-10 हार्डली साली बिग बाजार में तो 20-20 कैशियर होते हैं, 26-26 कैशियर होते हैं, लेकिन छोटे मोटे जगह में आपको 1-2-5 ऐसे करके कैशियर होते हैं। लेकिन सेल्समैन देखो वही 50 होते हैं, 100 होते हैं। तो कैशियर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और कैशियर के लिए अप्लाई लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कैशियर का सैलरी भी जो होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, कैशियर को थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी मिलता है, थोड़ा सा रेपुटेशन भी मिलता है उनको। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रहती है कि मुझे कैशियर का जॉब करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँगा कैशियर के जॉब में क्या स्किल चाहिए, ठीक है। तो कैशियर के जॉब में आपको ज़्यादा कुछ स्किल की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इंटर जो है एक तरह से आप हर जॉब में जो है ना इंटरमीडिएट खोज ही रहा है। बिना इंटरमीडिएट का जो आपका कोई भी जॉब जो है वो सक्सेसफुल प्राइवेट जॉब, आप सोचो कि पीवीटी एलटीडी कंपनी में आप जाके जॉब करो तो वो आपका हो नहीं पाएगा। दूसरा जो सबसे मेन चीज़ है कि आपका माइंड जो है वो थोड़ा शार्प होना चाहिए। कैशियर यानी कि कैशियर के पास 5,000, 10,000, 15,000 बिग बाजार में अगर आप जाओगे तो 2-2 ट्रॉली करके कस्टमर सामान लेके आते हैं, करीब 15,000 एक बार में, तो 20,000 का सामान परचेस करते हैं। कैशियर का सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है। आपके पास माइंड जो है शार्प होना चाहिए। बहुत लाइक होता है ना बुर्बक, जिसका माइंड बहुत कम चलता है, वो लोग कैशियर में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, नहीं तो उनका जितना सैलरी नहीं आएगा उससे ज़्यादा उनका जो सैलरी है वो डिडक्ट होने लगेगा। वो भी सैलरी कैसे डिडक्ट होता है वो भी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो दूसरा मैं आपको बता दूं कि इंटरमीडिएट और आप थोड़ा सा शार्प माइंड का होना चाहिए। तीसरा जो है, कैशियर में आपको रेगुलैरिटी ड्यूटी में बहुत ही ज़्यादा होती है। आप चाहोगे कि छुट्टी मार दे बिना बताए तो छुट्टी नहीं मिल सकता, या फिर आपको कभी कभी छुट्टी भी मिला है तो आपको छुट्टी में भी जॉब पे बुलाया जा सकता है। अब ये क्यों होता है, अगर मान लो कि एक मॉल है वहाँ पे 5-6 काउंटर है कैशियर का, उसमें से 2 लोगों को बिकऑफ दे दिया गया और भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया, भीड़ मतलब कि सुबह से ही बहुत ज़्यादा है, एक्सेस भीड़ है, तो वहाँ के जो मैनेजर्स हैं आपको कॉल करके बुला सकते हैं कि हाँ आशीष, आज आप आके ज्वाइन कर लो, आप किसी और दिन छुट्टी ले लेना। तो कैशियर के जॉब में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है कि रेगुलैरिटी में अगर आपको छुट्टी भी मिलता है तो वो आपको बिकऑफ जो है वो कैंसिल करके आपको ड्यूटी पर बुला सकते हैं। चौथा मैंने बात किया था, तो स्टार्टिंग में ही मैंने बात किया था कि सैलरी डिडक्ट, ठीक है। अब सैलरी डिडक्ट कैसे होती है, अगर मान लो आप कैशियर का जॉब कर रहे हो, आप किसी का बिलिंग कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट का बिलिंग कर रहे हो, ठीक है। अब बिलिंग करते करते आपने कुछ प्रोडक्ट को दोबारा 2 बार स्कैन कर दिया, 2 बार मान लो कि स्कैनर होता है यार, गलती हर किसी से होता है, स्कैन करते करते 2 बार स्कैन हो गया, तो अगर मान लो कस्टमर नहीं देखा वो सामान लेके गया, घर पे जाके वो सामान मिला तो देखा कि मैंने तो मेरे को तो ये एक सामान मिला है, इस पर 2 सामान का प्राइस जुड़ा हुआ है, वो दूसरा दिन आएगा और वहां पे चिल्लम चिल्ली करेगा, तो उसमें क्या होता है कि आपको पैसा भरने की जरूरत नहीं है। सो उसके लिए आप निश्चिंत रहो, अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले कैमरा वेरीफाई होता है, कैमरा वेरीफाई होने के बाद जो है पैसा जो है उसको रिफंड कर देता है कंपनी के द्वारा। लेकिन अब आपका सैलरी कैसे डिडक्ट होता है ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सैलरी आपका कैसे डिडक्ट होता है, तो अगर मान लो आपने किया 2,519 रुपए का बिल, 2,519 रुपए का बिल आपने किया, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो किसी बंदे ने आपको 2,500 दिया या फिर किसी ने आपको 3,000 दिया, ठीक है। अब उसमें से आपने किया कि क्या किया कि अगर मान लो 2,500 का बिल है, आपको किसी ने 3,000 दिया, आप उनको जो है 1,000 रुपये रिटर्न कर दिए, क्योंकि माइंड आपका ज़्यादा कैलकुलेशन आपका सही नहीं है, आप मान लो कि उनको ज़्यादा पैसे रिटर्न कर दिए या फिर उनसे आप कम पैसे ले लिए। कोई भी कस्टमर से आप ज़्यादा पैसे ले लेते हो या फिर कम पैसे ले लेते हो, ज़्यादा पैसे लोगे तो आपका लॉस नहीं है, वो कंपनी का फायदा है, लेकिन अगर आप किसी से कम पैसे ले लेते हो या फिर किसी को आप खुद ज़्यादा पैसे दे देते हो तो इसमें आपका जो है सैलरी से डिडक्ट, कंपनी जो है खुद भरपाई नहीं करती है, वो आपके सैलरी से डिडक्ट करती है। चाहे आप किसी को एक्स्ट्रा पैसा, आप 5,000 किसी को एक्स्ट्रा दे दो, वो आपके सैलरी से जो है वो आपको भरपाई करेगी। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा मेंटली प्रेशर वाला जॉब है, आप लोग
सोचते हो कि कैशियर का जॉब बहुत ही ज्यादा आसान है। मैंने 3 साल कैशियर का जॉब किया और मेरे को पता है कितना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक चीज, आपको बैठने के लिए चेयर मिलेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे को कैशियर के जॉब में बैठने के लिए चेयर मिलेगा, तो भाई बैठने के लिए सिर्फ आपको देखने को चेयर मिलता है, बैठने का आपको कभी भी उसमें मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि उसमें जो है आपको हमेशा एक कस्टमर जाएंगे, थोड़ा सा बैठोगे फिर तुरंत कस्टमर आ जाएंगे, फिर बैठोगे फिर तुरंत कस्टमर आ जाएंगे। तो कैशियर का जो जॉब होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि अब देखो, अब जो मेन चीज़ है कि कैशियर कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ उसको करना होता है। तो कैशियर में सबसे पहले उनको करना होता है कि उनको सामान का स्कैनिंग करना होता है, ठीक है। सामान का स्कैनिंग में कस्टमर का बिलिंग हो गया, कोई भी प्रोडक्ट का स्कैनिंग कर सकते हैं। दूसरा जो चीज़ है बिलिंग करना होता है, बिलिंग करके पैसे अच्छे से लेने होते हैं और पैसे अच्छे से देने होते हैं, और पैसा को जो पैसा उनको काउंटर में मिलता है उसको भी सही तरीके से रखना होता है। अगर वहाँ से भी मान लो 1-2 लाख चोरी हो गया तो 10 महीने तक आपको फ्री में नौकरी करना पड़ जाएगा, ठीक है। तीसरा जो चीज़ हो गया, वहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं वो प्राइस चेक करने भी आते हैं सामान का। बहुत बार क्या होता है कि सेल्समैन आते हैं, प्राइस चेक करते हैं और हम लोग जो चेक करते हैं उसको हटाते नहीं है, कोई कस्टमर आए उसी पे बिल बना देते हैं तो ज़्यादा कस्टमर का अमाउंट हो जाता है, तो फिर उसको रिफंड रिटर्न का प्रोसेस होता है, वो थोड़ा सा तामझाम वाला है और डांट भी सुनते हैं, कंप्लेन भी हमारे ऊपर होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कैशियर को सबसे ज़्यादा समझनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि कैशियर का जॉब करने जाओगे तो आपको सबसे पहले 3 चीज़ों में सबसे पहले महारत हासिल करनी होगी। सबसे पहले आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा जो आपका माइंड थोड़ा शार्पर होना चाहिए, भोंद नहीं होना चाहिए माइंड, चलना चाहिए कैलकुलेशन में भी, मैथ्स भी थोड़ा बहुत ठीक होना चाहिए। मैथ मैं नहीं कहता कि एकदम एक्सपर्ट लेवल का होना चाहिए, पर थोड़ा बहुत मैथ्स जो है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे सिस्टम जो ऑटोमेटिक बन के कैलकुलेशन करने वाले, ठीक है। तो मैथ आपका थोड़ा बहुत ठीक होना चाहिए। और तीसरा जो चीज़ है, कभी भी आपको सोचना नहीं है कि आपको कुर्सी पे बैठने को मिलेगा। कुर्सी पे आपको बैठने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे लोग कुर्सी पे बैठने के लिए सोचने की जॉब करेंगे, क्योंकि सेल्समैन में तो खड़ा रहना पड़ता है। दोस्तों ये जो सारी चीज़ें थी ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया बिग बाजार के कैशियर जॉब में, रिलायंस के कैशियर जॉब में, क्योंकि मैं 4-5 साल कैशियर का जॉब कर चुका हूँ, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि कैसे क्या होता है। लेकिन फिर भी आप लोग कैशियर का जॉब करना चाहते हो तो काफ़ी एक अच्छा पोजीशन है, सैलरी इसकी अच्छी होती है, सेल्समैन से ज़्यादा इसकी सैलरी होती है और इंसेंटिव भी बनता है। अगर आप कहीं 20,000 का एक कस्टमर का सामान खरीदते हो तो उसमें आपको 1-2% आपको इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। तो इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन कैशियर का जॉब में थोड़ा सा खतरा भी है, रिस्क भी है। अगर किसी को ज़्यादा पैसे दे देते हो या फिर कम दे देते हो तो आपको फिर से अपने पैकेट से भरना होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और वीडियोस पे ना हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।